तो पुलिस ने जीना आराम कर दिया। दो दिन से चक्कर लगा रहे हैं, ऊपर से एक मोबाइल भी आकर खड़ी हो गई है। घबराने की बात नहीं है, पुलिस तुम्हारे लिए नहीं आई। एक दो दिन खामोशी इख्तियार कर लो, कल परसों तक मामला खुद ही मामूल पर आ जाएंगे। ओके सर। कैसा है रोमियो? रोमियो तो मर गया सर, मैं जिंदा हूं। जिंदा रहो बेटा, जिंदा रहो। मरने की कोशिश भी नहीं करना। कल निकाह है लड़की का, उसके घर के आसपास भटकना बिन ऐसी बातें कर रहे हैं सर आप? दो पुलिस वाले आपने मेरे ऑफिस के बाहर तैनात किए हुए हैं, फुकियां चक्कर लगाते रखे हैं। आपको शक है ना मैं कुछ करूंगा कल? आप शक करके अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं कल जरूर कुछ करूंगा। दिमाग खराब हो गया तेरा, लगता है खाल जिस्म पे अच्छी नहीं लगती। अरे नहीं सर, क्यों नहीं अच्छी लगी, बिल्कुल अच्छी लगती है। लेकिन अगर छिल भी जाए ना तो मुझे उसकी परवाह नहीं। कल मैं वदीमा को उसके घर से ले जाऊंगा। इंशान आपकी बार थाने की मार बर्दाश्त नहीं कर पाएगा बेटा, रहम करो। नहीं आता सर, आप यकीन जाने खुद पर रहम नहीं आता। आपसे झूठ नहीं बोल रहा, आप जो करना चाहें कर लीजिए। बुढ़ाओ से। अरे अरे एक मिनट भाई, एक मिनट, नहीं जल्दी किस बात की है? क्या जुर्म किया मैं? वो क्या है कि एक दो वकीलों से मेरी दोस्ती हो गई है, आपसे मुलाकात के बाद दोस्ती करनी पड़ी इनसे। तो मैंने कोई जुर्म किया ही नहीं है कि आप मुझे थाने ले जा सकें, और जुर्म करने का मेरा कोई इरादा है भी नहीं। मैं तो एक जुर्म होने से रोकना चाहता हूँ। वदीमा की शादी उसकी मर्जी के बगैर होने जा रही है, आप चाहें तो मेरा साथ दे सकते हैं। रात का फिल्म भी, सुबह तक सोचना तो मैं क्या करना, और अगर मेरे हाथ लग गए कुछ भी करने के लायक नहीं छोड़ूंगा। देखते हैं सर, चलो।